आपसे वादा करता हूँ कि बस 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 शायर साहब, बहुत वादे कर चुके हैं आप, अब प्लीज आइए। मुझे पता है आप मेरे लिए ना चांद तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं वो मैं नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता ना आप शायरी में भी नहीं कहूंगा मैं। अब आप सच में मेरी हैं, मुझे सपनों की दुनिया में जीने की जरूरत ही नहीं है। आप आप सच में मेरी हैं। आपका सुख मेरा, आपका दुख मेरा, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके गोल्स, आपकी खुशियां, आपकी फैमिली, आपका बेटा, आपका बेटा मेरा, आपका सब कुछ मेरा, और मेरा सब कुछ आपका। मम्मा, उन्होंने आपके बॉस को मेरा पापा बोला, लेकिन कोई भी किसी भी चलते फिरते इंसान को मेरा पापा कैसे बोल सकता है? मिस्टर रघुवंशी, मेरा बेटा आरव। उठिए चलिए, कम कम विद मी। उसे क्या पसंद है? केक से आइसक्रीम? जस्ट टेल मी दैट मच। नहीं, यू नो व्हाट, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज प्रीटी स्मार्ट, तो उसे मैजिक पॉपसिकल्स पसंद होंगे, राइट? आई एम प्रीटी श्योर। एक काम करते ना, एक बॉक्स लेके जाते और रेस न्यूज़ को उसके साथ सेलिब्रेट। कम कम रुकिए रुकिए रुकिए, रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर। नो, मुझे लगता है कि ना पहले पहले मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए, उसे उसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद ही आप। No, I understand. You're right. Katha, but I am telling you, he's going to love me. He's going to love me so much because I'm going to ensure ki main na uska best friend banunga. I know. I just thought of it. काफी डिफिकल्ट होगा ना एक इतने से छोटे से बच्चे को ये बात समझाना। उतना ही मुश्किल होगा जितना आपके लिए आपकी माँ को समझाना होगा। नहीं नहीं, आई मीन माँ तो माँ ही होती है। कितनी देर तक नाराज रहेगी मुझसे, एंड मैं उनको समझाऊंगा कि अगर ये जीने मरने की बात नहीं होती तो मैं। जी, आप अपनी माँ के साथ पेरिस जा रहे थे। पेरिस कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं रहेगा जब तक कि मैं अपनी माँ के साथ एक दूसरा ट्रिप प्लान ना करूँ। इट्स ओके, एंड लिसन प्लीज, आप मुझे अच्छे से जानती है, आप मेरी माँ को भी जानती है, आप जानती है कि मैं उन्हें मना लूंगा, मैं उन्हें पटा लूंगा, लेकिन आरव, आई डोंट नो हिम, आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर। तो प्लीज मुझे बताइए ना, कब मिला रही आप मुझे? अभी अभी के अभी, कम ऑन। लिसन, एक काम करते, आप मुझे अपने घर लेके चलिए और मैं उससे मिलूंगा, एंड देन आई लीव इमीडिएटली। तब उसके बाद आप उसे बता दीजिएगा। आई मीन लुक, इन माय माइंड उसका पूरा हक बनता है ये सब जानने का। और बैटमैन है, आपके पास ये कैसे? आपका बैटमैन ही मेरा आरव है, मेरे आरव के रॉबिन आप ही हैं, और ये बात मुझे कुछ टाइम से पता है। आपका बेटा मेरा बैटमैन। बंदर, क्या चल रहा है दिमाग के अंदर? डोडो, हम्म, वो गोनी मां कह रही थी कि आप आजकल उनसे बात नहीं करते। फाल्गुनी बहन ने ऐसा कहा? अरे कल ही तो उनसे मिली थी, जैसे मिली वो खुद ही बकर बकर करने लगी, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, और कहती है कि मैं नहीं बात करती। ये तो बहुत हो गया, अब तो फाल्गुनी बहन से मिलना ही पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं डोडो, नहीं,
वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला तो मुझे ऐसा लगा उनके भी माइंड में कुछ ऐसा ही चलता होगा ना. अच्छा आप इतनी प्यारी हो तो सबका मन करता है आपसे बात करने का है ना. हाय मेरा बंदर तेरे छोटे से दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है जरा बोलना तो. सच सच बताना चलो बोलो. अरे यार डोडो आज आप जाओ ना गुनीमा के साथ टाइम स्पेंड करो खेलो कूदो मजे करो मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए बस. मतलब बित्ते भर के हो और तुम्हें अभी से स्पेस चाहिए. हाँ वाह बेटा वाह. डोडो आप ही तो बोलते हो कि जल्दी से बड़ा हो जाओ बी द मैन ऑफ द हाउस और अब जब मैन ऑफ द हाउस कुछ कह रहा है तो उसे मानो ना प्लीज मुझे अकेला छोड़ो. ओहो कितना सोचता है मेरा मैन ऑफ द हाउस. मैं समझ गई कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊँ लेकिन तुम क्या करने वाले हो जरा ये बताना. कन्वर्जन. नहीं कन्वर्सेशन ग्रोन अप कन्वर्सेशन विद मम्मा. आप लोग भी तो अकेले में ही बातें करते हो ना. नहीं यार ये तो मेरी मम्मा के मुंह से नॉर्मल साउंड करता है. क्या यार आ रहा हूँ मम्मा से कुछ बोल ही नहीं पाया तू. अब मुझे सब पता है कि आप मेरी मम्मा के बॉस हो और आप मेरी रॉबिन हो. आपसे बैठे तो कोई मेरे मम्मा के लिए हो ही नहीं सकता. वाओ हम एक फैमिली हो सकते हैं. हाउ कूल. मेरी फ्रेंड मैं उनके लिए स्पेशल नहीं हूँ. किसी बात पे बहुत नाराज है. उसे देख के ऐसा लगता है कि वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी. रॉबिन कह रहा था कि उसकी स्पेशल फ्रेंड के मन में उसके लिए कोई स्पेशल फीलिंग है ही नहीं. मतलब मम्मा रॉबिन को लाइक नहीं करती. कहीं मम्मा ने रॉबिन को फ्रेंड जोन तो नहीं कर दिया. मम्मा से तो बात नहीं कर पाया. रॉबिन को बोलूं कि मुझे सब पता है. क्या हुआ? This is gonna sound so weird, लेकिन I know हम कुछ ही देर पहले एक दूसरे के साथ थे, right? पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों के बाद आपसे बात हो रही है. आप blush करती भी बहुत खूबसूरत लग रही होंगी. I can see you. I'm not blushing, Mr. Raghuvanshi. आप आरव से बात नहीं कर पाई. आपकी आवाज से पता चल रहा है. बहुत सेंसिटिव मैटर है. अभी तक तो मैं सिर्फ उसकी थी. उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि उसे मुझे किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा. और मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई और नहीं आएगा. ये डील थी हमारी अनस्पोकन डील. अब मैं उसे क्या क्या कहूँ कैसे कहूँ. कहा था कि मम्मा की लाइफ में भी कोई स्पेशल फ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता. और आपने कहा था कि उन्हीं की लाइफ में से किसी एक को ढूंढो. तो मुझे मिल गया वो. तो ग्रेट बता. अरे बहुत ही अच्छा बुरा ऑप्शन ढूंढा है मैंने. अरे वो चिकचिक अंकल हर बॉस. कथा ये चिकचिक अंकल कौन है? बैटमैन बताता था मम्मा का बॉस. एसन सर वो आरव उन्हें चिकचिक अंकल बोलता है और हर बार मुझसे डांट भी खाता है. Oh, I see. Wait a second, इस सारी एक्साइटमेंट में मैं आपको बताना भूल ही गया. Guess what? आपका बेटा आपके लिए इतने दिनों से और आपके फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहा था? What? आरव मेरे फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा है. और आपको कैसे पता? Well, you see, Batman Robin को सब बताता है. और आपका बेटा ना dude है.
इतने दिनों से उसे लग रहा था कि उसकी मम्मा ना बहुत अकेली फील कर रही है, तो उनका एक स्पेशल फ्रेंड होना चाहिए, दैट्स व्हाट ही कॉल्स इट, अ स्पेशल फ्रेंड, और उसे लगता है कि वो चिक अंकल है। शेरनी? या आरफ तो ऐसन सर को कुछ ज्यादा पसंद ही नहीं करता। Yeah, I know. But वो ना अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है। Yeah, आरव मेरी बहुत चिंता करता है और हो सकता है उसके मन में ये ख्याल आया हो, पर आज उसका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग है। Okay, आप बताइए, आपकी बात हुई तेजी आंटी से? एक्चुअली ना, माँ इतनी अपसेट थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। जल्दबाजी में ये सब बातें करेंगे तो कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए। सो कुछ दिनों के लिए जस्ट लेट इट बी। यू राइट, लेकिन केवल कुछ ही देना प्लीज, बिकॉज मुझे क्या था, मुझे उन दोनों को और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया को बताना। ओके। कथा, आप इतना जल्दी सोने जा रही हैं? कल सुबह ऑफिस है, बॉस बहुत खड़ूस है मेरा। या ऑफ कोर्स, और प्लीज हाँ, कल बहुत काम है, आप ऑफिस टाइम पे आइएगा। एक्चुअली ना आपके बॉस का काम आपके बॉस का काम आपके बिना चलता नहीं है ना। तो कल कॉफी? कल नहीं, जिंदगी भर के लिए लेके आऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।